सजाद सुमान राथर, I have done PhD from Aligarh Muslim University. I was also the vice president of AMU Student Union. चूँकि पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है कि जम्मू कश्मीर यूथ अलायंस जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसको क्रिएट किया है जम्मू कश्मीर के स्कॉलर्स ने। यहाँ पर स्कॉलर्स से मुझे मतलब है PhD डिग्री होल्डर्स, पोस्ट डॉक डिग्री होल्डर्स। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आया था कि क्या वजह हुई कि इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ा। सबसे बड़ा वजह यह है कि एक PhD डिग्री होल्डर डॉक्टरेट करके उसे जब रोजगार नहीं मिलता है, उसे अपने परिवार चलाने के लिए उसके पास बेसिक फैसिलिटीज के पैसे नहीं होते हैं, तो वो बेचारा ये सोचता है कि समाज में जब एक डिग्री होल्डर के पास नौकरी नहीं तो आम इंसान का क्या हाल होगा। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब आपने ये भी सवाल पूछा कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ आप क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पुराना चावल है जिनको वो अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप वहां जाएंगे भी आपको कभी स्पेस नहीं मिलेगी। दे आर कंसिडरिंग देयर पार्टी एज देयर प्रॉपर्टी, ये उनकी मिल्कियत है जिस मिल्कियत को वो कभी बांटना नहीं चाहते हैं आवाम में। नाउ दिस इज अ फ्रेश पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज नो बैकिंग फ्रॉम एनीवन, किसी की बैकिंग नहीं है, किसी से फंड नहीं लिया गया है। द ओनली रीजन फॉर दिस पॉलिटिकल इनिशिएटिव इज दैट कि जितना भी यूथ कश्मीर में वेदर इज ग्रेजुएट, 12th पास है, 10th पास है, उसने मास्टर्स किया है, PhD किया है, पोस्ट डॉक किया, वो बेकार नहीं रहना चाहिए। द रिसोर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज है इस चीज पे डिस्कस किया जाएगा कि वेदर सेंटर शुड हैव द कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ कश्मीर एदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इन चीजों पर काम किया जाएगा। तो ये हमारा जो है मेन मकसद है इस पार्टी का। All our research scholars are PhD degree holders है and they are taking this initiative and within the no time हम लोग जो है इसको register करने वाले हैं and we are looking for the parliament election और main focus on the upcoming assembly election। आप पूछना चाहो तो कुछ पूछ सकते सर। आपने बहुत है अगर आप देखेंगे ना सर, उसमें सुधार इसलिए सुधार नहीं रख सकते क्योंकि वो पार्टी को एज ए प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है ना। आप पहले देखोगे ना आजकल वो, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर कश्मीर में 370 के बाद हो रहा है, आप देखोगे कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है खुल के नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन पे स्कैम्स के बहुत सारे जो है स्कैम्स को स्कैंडल्स करो उनमें उन पर जो है इस वक्त बहुत सारी पाबंदियां है, केसेस चल रहे हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी बात, हमने देखा है 70 साल से कि उनकी पॉलिसीज को लेकर कश्मीर कहाँ पहुंचा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज की क्या बात करोगे, आप 370 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही खत्म की। बीजेपी ने तो लास्ट पर इसको खत्म कर दिया, लेकिन उसमें जितने भी जो मेन चीजें थी कश्मीर के लिए जो कि खुद आईने हिंद ने हमें दिया था उसको तो पहले ही खत्म किया गया था। तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन पावर, नॉट फॉर द पीपल ऑफ द कश्मीर, नॉट फॉर द नेशन। यूथ को यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि वेयर ऑल द PhD रिसर्च स्कॉलर्स द मेंबरशिप विल बी ओपन टू एनीवन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं एजुकेशन की, आप आइए सपोर्ट करिए और हमें कामयाब करिए। शायद हमें टाइम बहुत लगेगा कि जितनी ये गंद फैली है कश्मीर में साफ करने में, लेकिन यकीन दिलाएंगे आपको और फर्स्ट इनिशिएटिव विल बी अगेंस्ट द करप्शन और हम कोशिश करें कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट के पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स जनरेट हो और जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, गुर्बत पे काबू किया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा लोग परेशान है। चाहे ड्रग्स की बात करो आप, लेट मैरिज की बात करो, हर घर परेशान है, हर घर मायूस है। कहां से कश्मीर में घर इस वक्त मायूस है। अपनी बात कर रहा हूं, आई हैव डन PhD फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दैट टू आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल में आप 28,000 रुपीज तनख्वाह दे रहे हो। इसी तरह के 3,000 बच्चे इस वक्त जिन्होंने PhD किया जम्मू कश्मीर बेकार है, ये उन्हीं का इनिशिएटिव है। इट्स नॉट इनिशिएटिव ऑफ माई डॉक्टर सजा सुभान रत, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ 3,000 PhD रिसर्च स्कॉलर्स एंड चेंज कैन बी ओनली ब्रॉट इफ दे विल कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। इसलिए यूथ को यही मैसेज है क्योंकि जब तक ना यूथ आगे आएगा पार्टिसिपेट करेगा, दिस नॉट दिस इज दैट इम्पॉसिबल। सो वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग द यूथ टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अस, और हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे चाहे फिर समय कितना ही लगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड फाइट अगेंस्ट द करप्शन। थैंक यू।